जाएगा। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। वैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी फोर्टी सिक्स फोर्टी एट फोर्टी नाइन फिफ्टी। हाँ कंपेयर दोनों की हो रही है। फिफ्टी टू फाइव फिफ्टी सिक्स 58, 59, yes, release, one, two, three, ऐसे करो, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, twelve, thirteen, fourteen, seventeen, eighteen, ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी फोर फोर्टी फाइव फोर्टी एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब ऐसे करिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन। पीछे ले जाओ, फास्ट वन टू फोर एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन। रिलीज टेक योर अफ्रेश अफ्रेश पी लीजिए। यस और एलोवेरा 20 सेकेंड ब्रेक। आराम आराम से पी लीजिए। गर्म पानी हो तो ज्यादा अच्छा है। सुबह सुबह ऑलवेज टेक हॉट वाटर और लुकवार्म वाटर, है ना। ज्यादा नहीं, बस एक घूंट। स्टार्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। ऐसे ऐसे चलेगा। रिलैक्स योर बॉडी। अब ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन
फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी 21, 22, 23, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, चलिए वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी रिलैक्स वन टू अपनी ही प्लेस पे वापस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अब ऐसे करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन नाइनटीन रिलैक्स रिलैक्स हो जाए। ये अगर आप पैदल चल रहे हो मतलब आप रिलैक्स हो रहे हो, ठीक है। वापस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी रिलैक्स। रिलैक्स योर बॉडी। अब ऐसे करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी अपोजिट साइड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी रिलैक्स सिंपल प्लेस पर हार्ट बीट बढ़ रही होगी आपकी रिलैक्स वंस मोर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी रिलैक्स। आया पसीना आ गया वेरी गुड बहुत बढ़िया वापस वाह टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी रिलैक्स टेक योर रिफ्रेश आराम से धीरे धीरे। हाँ ओनली एक सिप पीना है ना। चलिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स थोड़ा सा झुक के है ना नाइन टेन
17, 18, 19, 20. Relax. बीस मिनट हुआ है अभी वर्कआउट, बस 10 मिनट और करवाऊंगी फिर रिलैक्स करवाऊंगी आपको. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2 ऐसे ऐसे कर दो. किकिंग रिलैक्स. अब ऐसे ले जाओ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सेकेंड साइड. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलीज, रिलैक्स योर बॉडी. आराम आराम से फील. सूर्योदय हो रहा है और आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मजे की बात है. यस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलीज. अपनी प्लेस पे टैपिंग करेंगे. अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलीज. 10 बार इधर, 10 बार इधर. रिलैक्स. 1, 2. ऐसा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2. ऊपर ऊपर लेके जाओ कदम, जैसे मार्चिंग करके ऐसे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13, 15, 16, 18, 20. रिलैक्स, टेक योर रिफ्रेश. 5 मिनट्स मोर हाँ, उसके बाद योग करवाऊंगी. आराम से 5 मिनट और करेंगे. यस. 1, 2, 3. इनर थाइस को एक्सपांड कीजिए. 4, 5 ऐसे करेंगे. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. रिलीज. देखो पसीने की थर, इतना पसीना आ गया मुझे. 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर जाओ. 7, 8, 9, 10, 11, 12. रिलीज.
पुल योर बॉडी। अब ऐसे करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिलीज। से करो, इस साइड से कर लो पहले, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलीज। थ्री फोर सेवन टेन। डाउन क्रॉस, डाउन क्रॉस, डाउन क्रॉस, डाउन क्रॉस। रिलीज। टेक योर अफ्रेश, अफ्रेश भी लीजिए। तीन चार मिनट और कराऊंगी बस। रिलैक्स योर बॉडी, टैपिंग करिए, रिलैक्स योर बॉडी। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। रिलीज। रिलैक्स योर बॉडी। मुंह से सांस ले लो अगर आप थक रहे हो तो, ऐसे ऐसे करो। कपड़ों को डालते हैं ना ऐसे, धो भी लो वैसे। रिलीज। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिलीज। आराम से बैठ जाएंगे, सिट कंफर्टेबली। देखिए, कराना जरूरी था क्योंकि कई लोग वेट लॉस करने आए हैं, उनको थोड़ा हैवी हैवी कराना जरूरी है ना। बैठ जाएंगे आराम से। टेक योर वाटर, अच्छा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम। खूब सारा पानी पी लो, सबसे पहले खूब सारा पानी पी लो। खूब सारा मतलब थोड़ा थोड़ा करके, खूब सारा धीरे धीरे करके। खूब जो हमारी डेली सीरीज चलती है, सीरीज 1 पवन मुक्तासन सीरीज 1, वो तो हम रोज ही करते हैं। सबसे पहले पादों को लीना मन करेंगे, प्रातः स्थिति में बैठ के। पूरी 15-20 आसन की सीरीज ये रेगुलर करना है आपको, ठीक है। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, सांस लीजिए छोड़िए,
सांस लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स। उल्फ नमन, सांस लीजिए, आगे पैर ले जाएंगे सांस छोड़ेंगे, पीछे ले जाएंगे सांस लेंगे, आगे ले जाएंगे सांस छोड़ेंगे। देखिए मैं दिखाती हूँ अपने पैर आपको कैसे मैं मूव कर रही हूँ। सांस लेना और छोड़ना किस तरीके से करना है आपको। सांस लेना है, फिर सांस छोड़ते हुए आगे, फिर सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए आगे जाना है। डीप ब्रीदिंग का बहुत महत्व है, हम दिन भर में कितने बार डीप ब्रीदिंग करते हैं, है ना। अब रोटेट करो, सांस लीजिए सांस छोड़िए, सांस लीजिए सांस छोड़िए, सांस लीजिए सांस छोड़िए, अपोजिट साइड, सांस लीजिए सांस छोड़िए, सांस लीजिए सांस छोड़िए, सांस लीजिए सांस छोड़िए। पैरों को ऐसे रख लीजिए, इनको रोटेट करेंगे ऐसे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, बैक आर्म बॉडी स्ट्रेट, इसको रोटेट करेंगे एंकल जॉइंट, अपोजिट साइड, सेकेंड लैग, अपोजिट साइड, अब ये पैर सीधा, ये पैर को यहां से पकड़िए, इसको गोल घुमाइए, सांस लीजिए सांस छोड़िए, सांस लीजिए सांस छोड़िए, सांस लीजिए सांस छोड़िए, लीजिए छोड़िए, डीप इनहेल एंड एक्सहेल क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अपोजिट साइड, टेक योर फ्रेश, देन नेक्स्ट लेग, एक एक घुट करके पीना, रोटेट, अपोजिट साइड, प्लीज अर्धतितली, इस पैर को इस जांघ पर रख के, यहाँ पर जब आप कभी भी एब्डोमेन को इस तरीके से प्रेस करते हैं ना, तो सांसों को बाहर छोड़ना, ठीक है, सांस बाहर छोड़िए, सांस लीजिए, पर वैसे इररिलेवेंट होता है, अर्धतितली में सांसों का कोई रोल नहीं रहता, पर एक योग की जो टेक्निक है वो बता रही हूँ। यहाँ पर आप भले सांस कैसी भी लें कैसी भी छोड़ें, क्योंकि अर्धतितली में आसन में सांसों का इतना ज्यादा नहीं रहता है, ठीक है, फिर भी पानी पीते रहिए, नहीं तो डिहाइड्रेशन से प्रॉब्लम होती है ना। जिन लोगों को इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होते हैं, 24 हाइड्रेट, आपको बताया था 24 हाइड्रेट लेके बैठो, क्योंकि सेशंस में पसीना आता है, देखो मेरे को कितना पसीना आ रहा है, पसीने के थ्रू क्या निकलता है, सोडियम पोटेशियम लॉस भी होता है, और फिर क्या दिन भर हेडेक होता है। सेकेंड लैग,
पैरों को पास में लाएंगे, पूर्ण तिथि आसन करेंगे। जिनको पीसीओडी है, पीसीओएस है, वेजाइनल प्रॉब्लम्स है, पीरियोडिक इश्यूज है, उनको ये तितली आसन जरूर करना चाहिए। और इससे ना स्पेशली फीमेल्स को बहुत फायदा होता है। मेल्स को क्या फायदा होता है? मेल्स को फायदा होता है कि उनकी इनर थाइस फ्लेक्सिबल होती है, और फीमेल्स को तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। और मूलाधार चक्र जो है, मैंने आपको बताया था, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी रहती है, जहाँ पर मूलाधार चक्र के नीचे सर्पिणी के समान सुषुम्ना नाड़ी रहती है, वो एक्टिव होती है। कल भी बताया था मैंने, तो ये बड़े ध्यान से करेंगे। अब दोनों बटक्स को रख के दोनों पैरों को टच करके फॉरवर्ड बेंडिंग करने की कोशिश करेंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग पहले ऐसे ऐसे करो, थोड़ा जाओ, फिर वापस पीछे आओ, फिर थोड़ा जाओ, हाथ को ऐसे ऐसे ओपन कर लो, है ना। और हमेशा आपको मैंने बताया कि फॉरवर्ड बेंडिंग करते वक्त क्या टच करते हैं, मेरी लाइनर हट गई होगी आप, हमेशा फॉरवर्ड बेंडिंग करते वक्त चिन टच करते हैं, हेड टच नहीं करते। चिन मतलब थोड़ी, हेड मतलब ये। अगर आप ऐसा सिर कर लोगे तो पॉस्चर ही गलत हो जाएगा। ऑलवेज गो दिस लाइक दिस, है ना, पॉस्चर को सही रखना, नहीं तो कुबड़ निकल जाएगी। कुबड़ निकल जाएगी तो आप बैड इफेक्ट, आसन कई बार बैड इफेक्ट भी देते हैं। अगर आप गलत ढंग से लगाओगे तो आसनों का उल्टा असर होता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से करना है ना। कुबड़ नहीं निकालनी। जो लोग की कुबड़ निकल रही है, जैसे अगर मान लो यहाँ से इससे आगे निकल जाने के बाद आपकी कुबड़ निकलने लग गई, तो यहीं रुक जाओ, होल्डिंग कर दो यहीं पे। आसन पूरा करना जरूरी नहीं, आसन परफेक्ट करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आपकी कोबड़ निकल रही है तो यहीं पे रुक जाओ, यहीं पर। और एक मैंने एक्सरसाइज बताई थी, व्यायाम, जिनकी भी कोबड़ निकलती है वो रोज ये वाली प्रैक्टिस करेंगे। कौन सी? देखो आज मैं कर रही हूँ, यहाँ पर ऐसे बैठ जाओ, है ना, हाथ को लंबा खींच दो ऐसे, और चेस्ट को जमीन पर रख दो। जब आप हाथ लंबा खींच के चेस्ट जमीन पर रख दोगे, स्पाइन अपने आप अंदर चली जाएगी। ये चीज, ये प्रैक्टिस हम दीवार के साथ भी कर सकते हैं। एक बार और देखिए ध्यान से, और इसकी प्रैक्टिस मेरे ख्याल से 90%, ऐसा नहीं कि मेरी नहीं निकलती, सबकी निकलती है। 90% हम लोग क्या करते हैं, हमारे पॉस्चर गलत होते हैं, इसलिए हम ज्यादा बेशेप दिखते हैं। हम जब भी कुर्सी पे बैठते हैं ना, तो हम लोग यूं बैठते हैं, यूं पेट निकाल के। जबकि आप दिन भर में, मैंने आपको उद्यानवन सिखाया है, आप कोशिश करो जब भी दिन भर में फ्री रहो, आप सोचो मुझे उद्यानवन लगाना है, इमीडिएट उद्यानवन लगा लिया करो, और अपनी स्पाइन को ऐसा सीधा कर लिया करो। अगर आप उद्यानवन लगा के 4-5 बार थोड़ा फोकस उद्यानवन पे डाल दोगे ना, पेट अपने आप अंदर चला जाएगा बिना कुछ करे, ये बिल्कुल गारंटी है। उद्यानवन लगा लो और रीढ़ की हड्डी सीधा करो, फोकस करो, मेरी रीढ़ की हड्डी उल्टी तो नहीं हो रही है, कहीं मैं कुर्सी पे बैठी हूँ, कहीं मैं ऐसे तो नहीं बैठी हूँ सेठबा जैसी, है ना, ऐसा सोचा करो आप। तो ऐसा सोचने से ना बहुत फायदा होगा, क्योंकि हम यहाँ पर 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, पर दिन भर 23 घंटे हम क्या करते हैं, हमें नहीं मालूम। तो 23 घंटे को भी सुत सावल में लाना है, मतलब आपको कुबड़े नहीं निकालनी, झुकना नहीं है, स्ट्रेट बैठना है, स्पाइन को हमेशा इरेक्ट रखना है, हमेशा उद्यान मन लगा के रहना है, हमेशा पेट को खींच के रखो। तो पेट की हमेशा ये जो चीजें है ना, जो ढीली ढीली नसें, ये अपने आप टाइट होने लग जाएगी, क्योंकि आप 23 घंटा इसका प्रयास कर रहे हो। अभी तो क्या 1 ही घंटा प्रयास कर रहे हो, जब आप बाकी बचे हुए समय में भी इसको खींचने लग जाओगे ना, तो अपने आप अंदर जाने लग जाएगी। ये जो है कंसिस्टेंसी का विषय है, प्रैक्टिस का विषय है। वापस से करेंगे ये वाला अभ्यास, मैंने आपको बताया था, जो दोनों पैर सीधा, इसको खींच के चेस्ट को टच कर। ये तो मैंने प्रैक्टिस बताई आपको, ये प्रैक्टिस को आपको करना है घर पे। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि 1 घंटा बहुत कम पड़ता है, शाम की प्रैक्टिस आपकी चालू करो। जो लोग शाम को कर रहे हैं,
जिनको 7 बजे 8 बजे टाइम मिलता है वो 8 बजे चालू, सिर्फ 1 घंटा करने से कुछ नहीं होगा, किसी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। जो आपको अभ्यास बताए जा रहे हैं यहाँ पर उसको रिपीट करना है आपको, पूरे सेशन को रिपीट करना है। यूट्यूब की लिंक आपके पास आ जाएगी, वापस रिपीट करो। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, सूक्ष्म व्यायाम, सांस लीजिए छोड़िए, इस मुट्ठी को ऐसा बांध लीजिए, सांस लीजिए सांस छोड़िए, अब ये हाथों को सांस लीजिए सांस छोड़िए, सांस लीजिए सांस छोड़िए। होनी नमन, ये 8 से 10 व्यायाम तो रट लो जो मैं रोज करवाती हूँ। कोहनी चक्रण, ये आपके घर में कोई सीनियर व्यक्ति है ना 70 साल का 80 साल का, ये वो भी कर सकता है। इसको सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं, जो हर एज ग्रुप का, इसीलिए 15 मिनट इसको, क्योंकि यहाँ पे सीनियर्स भी ज्वाइन होते हैं, हर आदमी कूद नहीं सकता, तो हर आदमी ये वाली एक्टिविटी कर सकता है, हर एज ग्रुप का भी, धीरे धीरे हाथ पांव हिला सकता। बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो इतना कूद कूद नहीं सकते, दे कैन डू दिस प्रैक्टिसेस। स्कंद चक्र, चेस्ट को एक्सपांड करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल अपोजिट साइड, नेक रोटेशन 4 फेजेस में रेगुलर हम लोग करते हैं। हार्ट को एक्टिव करने के लिए, जिनको भी हाइपोथायरायडिज्म है या जिनको नहीं भी है ना, हो भगवान करे थायराइड की कोई प्रॉब्लम ना हो जिंदगी में, डीप इनहेल, इस विशुद्धि चक्र को स्ट्रेस में लाइए, मतलब तो थोड़ा प्रेशर दीजिए इसे, सांस छोड़ के आगे अगेन डीप, साइड वर्ड बेंडिंग करेंगे, यहाँ पर स्ट्रेच को महसूस करिए, ऐसा पूरा इधर से ऐसा रख दीजिए, अगेन इधर, रोटेट योर नेक, लुक बाय द 90 डिग्री पॉइंट्स, अपोजिट साइड, ब्रह्म मुद्रा, लेफ्ट हैंड साइड ब्रह्म मुद्रा, रिलीज, राइट हैंड साइड ब्रह्म मुद्रा, टेक योर वॉटर, वी विल डू प्राणायाम।
सबसे पहले अपनी पिंगला नाड़ी को प्रेस करिए, विष्णु मुद्रा बनाइए, ये उंगलियां क्रॉस करके अंगूठे को राइट नॉस्ट्रिल पे रखते, ये उंगली को इधर रखते, 50 बार एक्सहेल अपनी पीड़ा नाड़ी से, इन्हें अपनी चंद्र नाड़ी से, चंद्रमा मन से हो जाता है, चंद्रमा मन का कारक होता है, इसलिए हमेशा चंद्र नाड़ी से शुरुआत करते हैं। चंद्र नाड़ी को पहले ब्रीथ करेंगे 50 बार एक्सहेल इन्हें। अब अपनी ईड़ा नाड़ी को प्रेस करके अपनी पिंगला नाड़ी से, किसी को भी मैं स्पॉटलाइट कर दूंगी यहाँ पे, पिंगला नाड़ी से राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल। यस, वेरी गुड पूजा मैम, बहुत शानदार। पचास बार एक्सेल इनहेल करके अब हम करेंगे नाड़ी शोधन। कल मैंने आपको सिखाया था, मैं आज आपको प्लेन थोड़ा सा एडवांस प्राणायाम सिखा रही हूँ, एडवांस प्राणायाम। कल मैंने आपको बताया था नाड़ी शोधन प्राणायाम करते वक्त आपको हमेशा हमेशा जब भी आप सांस लेंगे हमेशा राइट से ही लेना है और हमेशा लेफ्ट से ही छोड़ना। अनुलोम विलोम में क्या करते थे हम, लेफ्ट से लेते हैं राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेते हैं लेफ्ट से छोड़ते हैं, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से लेते छोड़ते थे, पर ये सूर्य भेदी, सॉरी सूर्य भेदी नाड़ी शोधन निकल रहा है, सूर्य भेदी प्राणायाम कर रहे हम लोग। सूर्य भेदी प्राणायाम में हमेशा आपको राइट से ही लेना है और हमेशा आपको लेफ्ट से छोड़ना है, क्योंकि हमारी बॉडी गर्म है इसलिए सूर्य भेदी करेंगे और गर्म हो जाएगी, पर ये सिखाना है, लर्निंग प्रोसेस है, इसलिए मैं आपको सिर्फ 5 बार सूर्य भेदी करने का बोलूँ। सूर्य भेदी प्राणायाम एक बार फिर से देखिए, राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके उंगली को यहाँ पे रख के मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद लगा के तीनों बंदों का प्रयोग करके और सांसों को रोकेंगे, कहाँ स्टमक के अंदर, 0 एयर पे रहेंगे कितने सेकंड, जितने सेकंड आप रह सकते हैं, उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ेंगे, अपनी चंद्र नाड़ी से सांस को छोड़ेंगे, लेना हमेशा राइट से है और छोड़ना हमेशा लेफ्ट से, कुंभक लगा के एक बार ध्यान से देखिए, डीप इनहेल फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल, सूर्य नाड़ी से सांस लीजिए, नाड़ी से छोड़ रही हूँ मैं सांस, है ना, अगेन मैं वापस लेफ्ट को प्रेस करके अगेन जब भी मैं सांस लूंगी तो सूर्य से ही लूंगी, मतलब हमेशा अपनी राइट से ही लेना, लेफ्ट से ही छोड़ना है। सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम होता है, पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, व्यक्ति की क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, इसको 5 बार करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, वो गर्मी है, गर्मी को भी बढ़ा देता है, ठंड में किया जाने वाला प्राणायाम। चलिए स्टार्ट करते हैं वापस एक और बार सूर्य भेदी,
इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे 2 मिनट। जो भी वेट गेन करने आए या वेट लॉस करने आए, दोनों को मैंने एक चीज सिखाई है, दैट इज अग्निसार। अग्निसार क्रिया सिखाई है आपको मैंने, तो आप बैठ जाओ जल्दी से, 2 मिनट अग्निसार करके फिर हम लोग खत्म करेंगे सेशन को। से बैठ जाओ वज्रासन में। अग्निसार क्रिया करने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म के बारे में मैं आपको बता दी, चयापचय दर। अब आपका चयापचय दर, आपके हार्मोन्स, बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। पूरे शरीर को कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन्स कंट्रोल करते। हार्मोन सपोर्ट नहीं करते किसी किसी के, वो कुछ भी खाता है जरा सा, मतलब एक आधी रोटी खाता तो भी मोटा हो। ऐसे केस में आपको मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना पड़ता है। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते कैसे हैं वो सेशन लेंगे, डाइट से। पर अग्निसार क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिससे आप अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते। आपको क्या करना है, ऐसे बैठना है, पूरी सांस को बाहर छोड़ दीजिए, बाहर निकाल दीजिए नासिका द्वार से, और ये मूवमेंट करना। देखो आप, मैं ध्यान से स्क्रीन के सामने आ जाती, दिख रहा है ये मेरा पेट, इसको अंदर भाग, अंदर भाग। बीस बीस के 3 सेट लगाइए। इसको करने से आपकी जो बड़ी आंत, छोटी आंत सब साफ हो जाएगी, पूरी पूरी क्लीन हो जाएगी, सारा कचरा बाहर। एक और बार, 20 बार मैंने 2 बार कर लिया, एक और बार करेंगे। प्लीज है मजेदार चीज। चलिए 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लेंगे। रिलैक्स योर बॉडी, अपने आसपास की ध्वनि को सुनिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। एक साथ ओम स्तवन का पाठ करेंगे। ओम स्तवन सबको आ गया होगा अब तो। रुकुटी महल चढ़ देख प्यारे, जागे ज्योति अपाराओ, सोहम जपते जपते पहुंचे दश में द्वाराओ। रुकुटी महल चढ़ देख प्यारे, जागे ज्योति अपाराओ, सोहम जपते जपते पहुंचे दश में द्वाराओ। मेरुदंड में बंकनाल है, उल्टी गंग कहावे ओ, उसी गंग में सुन लो प्यारे, जो कोई घुस कर नहावे ओ। प्राणायाम से ऊंचा चढ़ कर सुखमनी गढ़ में जावे ओ, तन का भान भुला के वहां से सोहम गावे ओ। वहां से ऊंचा, बेहद ऊंचा, ब्रह्म शिखर पर जावे ओ। ओम ध्वनि से चढ़ते चढ़ते निश्चल घुमरी आवे ओ, अपने आप अपने में निर्विकल्प निर्वाणी ओ, शिवानंद गुरु केवल चेतन निजानंद आनंदी ओ। रुकुटी महल चढ़ देख
देख प्यारे जागे ज्योति अपाराओ, सोहम जपते जपते पहुंचे दश में द्वाराओ, पहुंचे दश में द्वाराओ, पहुंचे दश में द्वाराओ। रब योर पाम, अपने हस्त मुद्राओं का दर्शन करेंगे। हस्त मुद्राओं का दर्शन करके अपने हीट को प्रोड्यूस करके अपने कपाल पर, अपने नेत्रों पर, अपने चेहरे पर, अपने कंठ पर, अपनी नाभि पर लगा के भूमि प्रणाम करेंगे। अपने गुरुदेव, अपने आराध्य देव, अपने माता पिता का स्मरण करिए और धीरे से कराग्रे भस्ते लक्ष्मी कर मध्ये तु सरस्वती कर मूले तु गौरी सा प्रभाते कर दर्शनम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा पश्यतु। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो और आज का दिन आपका बहुत मंगल जाए। आज आप बहुत स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और इंजॉय करें। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात सभी को। अब आज फटाफट फटाफट मैं आपसे बात करूंगी, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट। आज हमारा टॉपिक है बैलेंस डाइट, एक डाइट। और मैं आपको दो तीन चीजें ऐसा भी बताऊंगी जिससे कि आपको समझ में आए कि डाइट के साथ साथ भावनाओं का क्या रोल होता है। और इसके लिए हमारे ग्रंथों में काफी कुछ मैटर आपको मिलेगा, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। सभी को अनम्यूट कर रही हूँ मैं। आप बैलेंस डाइट से क्या समझते हैं, ये मैंने क्वेश्चन आपसे थ्रो किया है कि आप बैलेंस डाइट से क्या समझते हैं, कौन सी डाइट लेना मैं चाहिए। बोलूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल मैं सर, बिल्कुल बोलूँ? बोलिए सर, आप मोस्ट वेलकम। हाँ, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, हाँ, यानी माइक्रो एंड मैक्रो सब जो मिले मिल जाए, ऐसा जो हाँ, डाइट होता है उसको बैलेंस डाइट। यस और यस, खुशी खुशी खाना चाहिए, खुशी खुशी खाना चाहिए, ऐसा हाँ गम गम से नहीं खाना चाहिए और सामने टीवी के सामने तो नहीं खाना चाहिए, जी जी उसको बिल्कुल, बैलेंस डाइट बोलते हैं। यस यस बिल्कुल सही बोला सर, बैलेंस डाइट। अच्छा, अब आप बताइए, एक और क्वेश्चन थ्रो कर रही हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योगिक डाइट एंड बैलेंस डाइट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योगिक डाइट एंड बैलेंस डाइट? एक योगी पुरुष की डाइट में और एक बैलेंस डाइट में क्या फर्क होता है? सभी अपना शेक बना लेंगे। योगी योगी पुरुष उसके डाइट मैं में सबसे पहले आपको दोनों। स्पॉटलाइट कर देती हूँ, आप इतना अच्छा आंसर दे रहे हैं तो आपको स्पॉटलाइट करना जरूरी है। एनी को होस्ट प्लीज, सर को मेरा क्या हाथ थोड़ा गीला योगिक हो डाइट रहा में किसी है। हाँ यस, हाँ सर, व्हाट इज द योगिक डिफरेंस? डाइट में सब सब किसी का भी हिंसा ना हो, ऐसा डाइट होता है। हाँ, और उसमें हम शरीर के लिए खाते ऐसे नहीं, आत्मा के लिए भी खाते हैं, यस आत्मा को भी खिलाते हैं। तो उस हिसाब से अपना डाइट होना चाहिए, खाली शरीर ही नहीं है, अपना आत्मा भी है। तो आत्मा भी, आत्मा और शरीर दोनों का योग, यानी दोनों का मिलन, आत्मा यस और शरीर का साइमल्टेनियस यानी होता हाँ, है मिलन, उसको योगा बोलता है। तो योगिक डाइट में सब बैलेंस रहना चाहिए। यस बिल्कुल, शरीर साधन है हाँ और हाँ आत्मा को पाना है। यस तो अपना जो शरीर शरीर साधन है उसको खाली साधन की तरह से, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए वो साधन है, इसलिए उतना ही उसको महत्व। हाँ मगर आत्मा अपना अल्टीमेट एम है, अल्टीमेट एम तक पहुंचने के लिए हाँ आत्मा को ही आप एम समझो, और ये साधन जो शरीर साधन है उसका खाली आप निभाओ निभाओ, यस, उसको योगिक डाइट बोलते। बहुत सही सर, आपको बहुत नॉलेज है। योगिक डाइट और बैलेंस डाइट, और व्हाट इज बैलेंस डाइट मैं आपको समझाती हूँ।
बैलेंस डाइट मतलब जैसा आपने सर ने बताया कि जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और ये मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी आपकी बॉडी में टोटल कैलोरी का 30% कार्बोहाइड्रेट जाना चाहिए, टोटल कैलोरी का 30% प्रोटीन जाना चाहिए और टोटल कैलोरी का 30% जो है फैट जाना चाहिए, ये बैलेंस डाइट होता है। यानी एक व्यक्ति अगर 1800 कैलोरी खाता है तो 1800 कैलोरी में से उसके 30% कैलोरी उसकी रोटी चावल आलू से आनी चाहिए, 30% कैलोरी दाल राजमा छोला और जो भी वो खाता है उससे आना चाहिए, यानी प्रोटीन वाली चीज़ें खाता है उससे आना चाहिए, और 30% फैट्स से आना चाहिए। नहीं, फैट्स खाना भी जरूरी है, कई लोग ये सोचते हैं कि फैट्स नहीं खाना चाहिए, है ना, तो वो चीज़ होती है बैलेंस डाइट। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। कैल्शियम व्यक्ति को 1000 मिलीग्राम डेली बेसिस पे चाहिए, विटामिन सी 75 मिलीग्राम डेली बेसिस पे चाहिए, क्रोमियम उसको डेली बेसिस पे चाहिए। अगर वो ये सारी चीज़ें बैलेंस डाइट अगर प्रॉपर नहीं लेता है तो क्या होता है कि ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि कैल्शियम है, विटामिन सी है, क्रोमियम है, ये आपका वजन ना घटने देगा ना बढ़ने देगा। दैट इज वाई हम क्या बोलते हैं कि आप न्यूट्रिशन शेक लीजिए, क्योंकि न्यूट्रिशन शेक में 21 एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल जाते हैं, और उसके साथ फॉर्मूला टू यानी मल्टी विटामिन और कैल्शियम लेने से आपकी बॉडी में सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं जिससे आप अपना वेट मैनेज कर सकते हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योगिक डाइट एंड बैलेंस डाइट, ये क्वेश्चन मैंने थ्रो किया था। बिल्कुल सही बोला कि योग का मतलब होता है जोड़, यानी आत्मा और शरीर का मिलना, बिल्कुल सही है, पर यहाँ पर योगिक डाइट में भावनाओं से रिलेटेड होता है। योगिक डाइट भावनाओं से रिलेटेड होती है, किसी को कष्ट पहुंचा के यदि आप कोई भोजन कर रहे हैं तो उसका असर योगा में खराब बताया गया है। अगर आप किसी को कष्ट पहुंचाकर कोई भोजन कर रहे हैं तो भावनाएं ना उसकी भावनाएं खराब हो गई आपके प्रति, यानी वो आपको जो है अंदर से बद्दुआएं दे रहा है और आप उसे खा रहे हो, है ना, तो वो चीज योगा में रिस्ट्रिक्टेड मानी गई। योगा इज ऑल अबाउट इमोशंस, इमोशन से रिलेटेड है। यहाँ पर योगा में मिताहार के बारे में बताया गया है। मिताहार मतलब होता है सुमधुरम सुस्निग्धम भोजन, भगवान को अर्पित करके, ईश्वर को अर्पित करके, मतलब आप जो भी खा रहे हैं वो सब आपको ईश्वर ने दिया है। आप जिनको भी मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, जिनको भी मानते हैं, ये हम कुछ है ही नहीं, हम अंश मात्र हैं, और हमें जो भी कुछ मिला है, हमें आज अगर ये पानी पीने के लिए भी मिल रहा है तो ये भी ईश्वर ने हमें दिया है, हमारा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो ईश्वर को अर्पित करके, यानी ये मैं इसमें वाइब्रेशंस डालूं कि हे ईश्वर, तूने मुझे ये शेक पीने के लिए दिया है और इस तुझे ये अर्पित फिर मैं पीऊंगी, दैट इज भावनाओं से रिलेटेड होती है योगिक डाइट। और उसमें ईश्वर को अर्पित करके चतुरांश अमाशय आपका खाली रखा जाता है, यानी आधा पेट खाली रखा जाता है, यानी योगिक पुरुष कभी भी भर पेट खाना नहीं खाते हैं। दूसरा, भोजन आनंद का विषय नहीं होता है उनका, भोजन आनंद का विषय नहीं होता है, मतलब भोजन जो है सिर्फ और सिर्फ उस फ्यूल की तरह होता है, उस शरीर को चलाने के लिए होता है, पर यदि किसी चीज में भी आनंद आने लग जाए तो वो योगिक डाइट नहीं कहलाती है। यानी आपको चिकन खाने में मजा आ रहा है, मटन खाने में मजा आ रहा है, एक तो योगा में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है नॉनवेज, है ना, क्योंकि उसमें आप किसी को कष्ट दे रहे हो, कष्ट दे के आप खा रहे हो। पर यहाँ पे भी एक चीज बताई है श्रीमद् भगवद गीता में कि यदि वो कष्ट जरूरी है, मतलब जैसे कोई आर्मी में वर्क कर रहा है या नेवी में वर्क कर रहा है, उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, पर वो आनंद का विषय नहीं है, वहां पर उसकी मजबूरी है। आनंद का विषय क्या है कि आपको आज रसगुल्ला खाना है, गुलाब जामुन खाना है, चिकन खाना है, मटन खाना है, ये आपके जिह्वा के आनंद का विषय है, आपके जिह्वा के आनंद का विषय है। अगर वो आनंद का विषय है तो वो योगिक डाइट नहीं है। अगर वो मजबूरी है, अगर नॉनवेज खाना आपकी मजबूरी है और यदि आपको कुछ खाना मजबूरी है, मतलब आप सिर्फ अपनी स्टमक की पूर्ति करने के लिए खा रहे हो और वो आनंद का विषय नहीं है, तो वो योगिक डाइट। अंडरस्टैंड? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भोजन आप आनंद का विषय मत बनाइए, तभी आप फिट रहेंगे। आप सिर्फ अपनी बॉडी को चलाने के लिए आपको जितने फ्यूल की जरूरत है, और आज नहीं, हजारों साल पहले से ऋषि मुनि बोल के गए हैं चतुरांश खाली रखो पेट को। और पेट को क्या होता है कि यहाँ से दिमाग तक इंस्ट्रक्शन जाने में समय लगता है,
हम क्या करते हैं, एक रोटी खाते हैं, दो रोटी खाते हैं, तीन रोटी खाते हैं, चार रोटी खाते हैं, वो जब तक दिमाग बोलता है पेट भर गया जब तक खाते रहते हैं। जबकि आप दो रोटी खा के पॉज दे दोगे ना, तो थोड़ी देर बाद आपका पेट भर जाएगा। यू डोंट नीड एनीथिंग, पर हम क्या करते हैं, खाते रहते हैं। जैसे सर ने बोला कि टीवी देखते देखते खाते हैं, तो टीवी देखते देखते योगी व्यक्ति कभी खाना नहीं खाएगा, क्योंकि उसके आनंद का विषय नहीं है ना। जहां आनंद हो वहां आप गलत जा रहे हो। अगर आपको आम खाने में भी बहुत आनंद आ रहा है, फल खाने में भी बहुत आनंद आ रहा है, और आप इकट्ठे फल खाए जा रहे हो क्योंकि वो आनंद का विषय बन गया है, वो योगिक डाइट नहीं है, है ना? तो ये आपको बात समझनी पड़ेगी। इसीलिए बोलते हैं कि घर के जो महिलाएं हैं, जो माता है, वो जब खाना बनाती है तो उसके इमोशंस उसके अंदर जाते हैं, है ना? इसीलिए बोलते हैं कि इमोशंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी ऋषि मुनि हैं या बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, हर किसी के घर भोजन नहीं करते। करते हैं क्या? नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें इमोशंस होते हैं। हर किसी के घर वो खाते ही नहीं है, क्योंकि वो इमोशंस आपके शरीर में जाते हैं और वो इमोशंस आपको रिएक्ट करते हैं। योगिक डाइट और बैलेंस डाइट में ये भी अंतर है कि योगिक डाइट इज रिलेटेड टू गुणा, सत्व गुण, रजो गुण एंड तमो गुण, तीन गुण उसके अंदर होते हैं। बैलेंस डाइट में ऐसा कभी नहीं बताया जाता कि ये खाओ इसमें तमोगुण होता है, ये खाओ इसमें सत्वगुण होता है, ये खाओ इसमें रजोगुण होता है। पर योगिक डाइट में आपको बताया जाता है कि अगर आपके शरीर में तामसिक गुण बढ़ रहे हैं, यानी आलस्य बढ़ रहा है, प्रमाद बढ़ रहा है, गो फॉर सात्विक डाइट, सात्विक डाइट खाइए। योगिक डाइट में यहाँ तक वर्णन है कि अगर आप सुबह का भोजन शाम को करते हैं तो वो तामसिक है। 3 घंटे से ज्यादा रखा हुआ भोजन तामसिक माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में साफ साफ लिखा हुआ है, तीन तरीके की डाइट होती है, जिसमें तामसिक प्रवृत्ति की जो डाइट है और वो उसके गुणों पर आधारित होती है। जैसे एक राजा है, राजा को युद्ध लड़ना पड़ता है, तो युद्ध लड़ने के लिए अगर वो तामसिक चीजें खाता भी है तो वो चलता है। पर अगर कोई ब्राह्मण है जिसको दिन भर पूजा पाठ करनी पड़ती है, उसको तो सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि बासी मत खाओ, है ना? बासी मत खाओ, फिर भोजन बाई से मत बनवाओ, खुद बनाओ, क्योंकि वहां पे आपकी इमोशंस है। अपने बच्चों के लिए खुद बनाओ, आपके इमोशंस हैं, है ना? फिर आप किसी को कष्ट देके मत खाओ, मतलब चिकन मटन के अगेंस्ट में योगिक डाइट जाती है, यानी नॉन वेज के अगेंस्ट में किसी को कष्ट दे रहे हो ना आप। इवन ऐसा भी कहा गया है कि आप तो पौधों को भी कष्ट देते हो, पौधों को भी तो काटते हो, तो उनको भी तो कष्ट ही देते हो। पर बात यह है कि पौधों को जो कष्ट दिया जाता है, वही मैंने कहा जितना कष्ट जो है जरूरी है उतना ही देना है, ठीक है? वो चीज है। अब हम जो ये शेक पी रहे हैं, ये बैलेंस डाइट भी है और ये योगिक डाइट भी है, ये सात्विक है। इसमें किसी भी प्रकार की लाल मिर्ची, तेल, मसाला, ये सारी चीजें नहीं है, तो ये सात्विक फूड है। अगर हम 2 बार शेक पीते हैं तो वी आर ऑन द सात्विक पाथ। और इसको और आप और कल से मैं आपको बोलूंगी इसको और भगवान का नाम लेके पियो तो और ज्यादा असर होगा। जिनको मानते हो उनको, हे ईश्वर मुझे इससे दुबला कर दे तो जैसे ही आपने भगवान को याद करना चालू कर दिया, ये काम करना चालू कर देगा। अभी तक क्या जिनके रिजल्ट नहीं आ रहे वो ईश्वर को याद नहीं कर रहे हैं। ईश्वर को याद करना चालू कर दो, रिजल्ट आना चालू हो जाएगा, है ना? एनी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस यू नीड टू आस्क, इसके बारे में हम और हाँ, बात। मेरे को क्वेरी है, मेरे को क्वेरी है। बिल्कुल 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 अभी सर। आपने सूर्य भेदी प्राणायाम करवाया, जी उसमें आपने बोला कि आपको सांस राइट नोस्ट्रिल से लेने का, यस, और लेफ्ट से छोड़ने, फिर नहीं, फिर कुंभक, जी अंतर कुंभक करने के बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस छोड़ देने का, जी मगर जी उसके बाह्य कुंभक क्यों नहीं करने का? बाह्य कुंभक करो ना सर, बिल्कुल बाह्य करो, कुंभक भी करने का, बाह्य कुंभक करो। लोग नहीं कर पाते यही? इसलिए मैंने प्रैक्टिस नहीं करवाई, आप करो, बिल्कुल करो, करिए सर। बाह्य अच्छा, कुंभक बहुत अच्छा रहता है, बाह्य कुंभक मुश्किल होता है आंतरिक कुंभक से, ये तो आपको पता है। बाह्य कुंभक का मतलब यहाँ सर ये बोल रहे हैं कि बाहर जब एयर आप निकाल देते हो उसके बाद भी आप पूरी तरह सांस को रोक दीजिए। बाह्य कुंभक बहुत अच्छा होता है पर बहुत कठिन होता है, मरने जैसा होता है वो, ऐसा लगता है गई है ना सर। पर करिए उसको भी, हाँ प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल करिए, बिल्कुल बाह्य कुंभक लगाइए, है ना? तो वी नीड टू आनंद, भोजन हमारे आनंद का विषय नहीं रहेगा,
हम ऐसी कोई चीज नहीं खाएंगे जिसे हमें जिसमें हमें बहुत आनंद महसूस हो रहा है। हम सिर्फ हमारे काम को करने के लिए, हमारी बॉडी को चलाने के लिए खाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज से आप प्रण कर लीजिए, भोजन आपके आनंद का विषय नहीं होगा। आज से आपको ये प्रण करना है, जो चीज आनंद दे रही है, समोसा आनंद दे रहा है नहीं खाना है, गुलाब जामुन आनंद दे रहा है नहीं खाना है। आज समोसा जरूरत है, खाना नहीं बना है कुछ भी, और कुछ भूख लग रही है तो जरूर बाजार से खरीद के समोसा खा, पर आनंद का विषय नहीं होना चाहिए। यदि वो आनंद का विषय है, नो, भावनाएं भी अच्छी होनी चाहिए। जिसको आप दे रहे हो खाना, उसके लिए भावनाएं, जो भोजन कर रहा है उसके लिए भावनाएं आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो वो भावनाएं भी ट्रांसफर होती। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी, एंड आई विल इन्वाइट अवर सीनियर वेलनेस कोच दीपिका मैम ऑल अलोंग फ्रॉम इंदौर। यस थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू। यस दीपिका मैम स्पॉटलाइट, थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बैलेंस डाइट और योगिक डाइट में डिफरेंस बताने के लिए। हम लोगों को बहुत सारी बारीक बारीक चीजें नहीं पता रहती हैं। थैंक यू। अब हम हमारा जो अगला वर्कआउट है वो करेंगे। आप सभी अपना एफ्रेश रेडी कर लीजिए।